नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है फूड टेक बड़ी पे। मैं आपका होस्ट कम दोस्त अखिल चौधरी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले होंगे कि आज कौन कौन सी नई वैकेंसीज, गवर्नमेंट वैकेंसी फूड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड निकली है। इससे पहले कि गाइस मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ, आपसे एक निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब मैं वीडियो डालूँ आपको अपडेट मिलता रहे। जो भी दोस्तों हमारी वैकेंसी निकली है फूड रिलेटेड, वो सारी वैकेंसी IIFPT गवर्नमेंट फूड एनालिस्ट वैकेंसी है 2021 की, जैसे कि आपको तस्वीर पे दिखाई दे रहा होगा। जिन्हें नहीं पता IIFPT क्या है, तो गाइस ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है जो कि फुली गवर्नमेंट जॉब्स निकालती रहती हैं टाइम टू टाइम। दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो मैं पोस्ट के साथ साथ में बताता रहूँगा, पर लेकिन कैसे अप्लाई करना है, क्या एप्लीकेशन फ़ीस है और कैसे इसे ऑफलाइन देना है या ऑनलाइन देना है एग्ज़ाम को, ये दोस्तों मैं सारी इंपॉर्टेंट डेट होगी, सिलेक्शन प्रोसेस होगी, सारी आपको आखिरी में बताऊँगा। तो मेक श्योर करें आप वीडियो को पूरा देखें। तो आप सभी की तस्वीरें देख सकते हैं। कुछ दोस्तों जो पोस्टें हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस भी है, जैसे कि फूड एनालिस्ट जो 10वीं पोस्ट मैंने आपको दिखाई है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस है, जिसकी पेमेंट अबाउट 60,000 के करीब है। तो दोस्तों, अब बात आती है हाउ टू अप्लाई। तो दोस्तों, अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं, उन्होंने बता रखे हैं दो क्राइटेरिया कि जो एज लिमिट होनी चाहिए आपको 65 ईयर तक, तब तक कि इंटरव्यू डेट से पहले पहले, इंटरव्यू डेट से पहले आप 65 के ऊपर नहीं होने चाहिए। जो भी हमारे SRF है, JRF है, PA है, वो 35 ईयर फॉर मैन और 40 ईयर फॉर वुमेन है। फॉर फूड एनालिस्ट नॉट एक्सीडिंग टू 52 ईयर से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो बात आती है एप्लीकेशन फ़ीस की। दोस्तों, जो भी ST SC PWD कैंडिडेट है उनके लिए 500 फीस है, और वुमेन की कोई भी फीस नहीं है, मतलब कि वीमेंस आर फ्री टू पे एप्लीकेशन फ़ी। और साथ ही साथ में ये कुछ बता रखे हैं कि कितने पीरियड तक आपको, जैसे कि फूड एनालिस्ट कितने 6 महीने तक, 6 से 3 साल तक रखेंगे, उनकी परफॉर्मेंस के रिक्वायरमेंट है उसे चेंज करते रहेंगे। JRF होगा, SRF होगा, वो 6 महीने में अपना प्रोजेक्ट पहले कंप्लीट करने के बाद उन्हें रिन्यू करते रहेंगे एवरी, जो भी उनकी परफॉर्मेंस होगी। और सिलेक्टेड कैंडिडेट होगा उसे 6 दिन काम करना होगा और दूसरी शनिवार को उसे छुट्टी मिलेगी, जो कि गवर्नमेंट हॉलीडेज़ होती हैं। और साथ ही साथ में ये भी उन्होंने बताया कि जो भी पोस्ट है वो स्पेसिफिक एक्सपीरियंस उसके साथ लिखा हुआ है। अगर बाद में अगर आप कहें तो ये मेरा पोस्ट पे क्यों नहीं आया, तो आपको एक्सपीरियंस अच्छी तरह से चेक करके, उन्होंने कहा है कि अच्छी तरह से देख के फिर ही अप्लाई करना चाहिए आपको। तो ये सारी डिटेल है, एप्लीकेशन है, जो कि वेबसाइट आपको दिखाई दे रही होगी, www.IIFPT.edu.in पे आप जाके देख सकते हैं। जो भी दोस्तों ये ऑनलाइन वर्क होगा, ये सारा ऑनलाइन ही होगा, कुछ भी ऑफलाइन नहीं होगा, कोई भी ऑफलाइन वर्क इसमें नहीं होगा, सारा ऑनलाइन ही होगा। मस्ट बी अपलोड सॉफ्ट कॉपी इन अ PDF फॉर्म ऑफ ऑल सर्टिफिकेट और रेवलेंट डॉक्यूमेंट इन स्पॉट टू क्लेम इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वेयर एज नेसेसरी इंस्पेक्ट ऑफ पब्लिकेशन अ फर्स्ट पेज ऑफ पब्लिकेशन मस्ट बी अपलोडेड फीलिंग विच सच एप्लीकेशन इज नॉट बी कंसिडर्ड। मतलब कि पब्लिकेशन का पहला पेज आपको अपलोड करना ही करना है, और साथ में डॉक्यूमेंट जो भी उन्होंने कहा है पोस्ट के रिक्वायरमेंट होंगे वो भी आपको अपलोड करने ही करने हैं। आफ्टर सक्सेसफुली सबमिशन, जो भी आपका सक्सेसफुल एप्लीकेशन सबमिशन हो गया, फिर आपको सॉफ्ट कॉपी उसकी निकाल के सेल्फ अटेस्टेड करके उसे PDF की फॉर्म में डाल के फिर वापस जो उन्होंने वेबसाइट दे रखी है प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट @IIFPT.edu.in पे आपको मेल करना होगा विदिन 3 डेज, जो कि लास्ट डे ऑफ सबमिशन है। लास्ट डे ऑफ सबमिशन से 3 दिन पहले आपको अपलोड करना ही करना है।
और एलिजिबल कैंडिडेट को फिर ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम होगा और साथ में इंटरव्यू होगा। बाकी बात आती है दोस्तों इम्पोर्टेंट डेट के बारे में, तो इम्पोर्टेंट डेट उन्होंने बता रहा है कि एप्लीकेशन खुल चुकी हैं 15 फरवरी को, और मैं वीडियो बना रहा हूँ 18 फरवरी को, तो 15 फरवरी से ऑनलाइन हो चुका है। और 18 मार्च को दोस्तों आखिरी डेट है इसकी, आखिरी डेट 18 मार्च 6 PM। तो इन्होंने ये भी बता रखा है कि सिलेक्शन प्रोसेस जो भी होगा वो ऑनलाइन ही होगा, जैसे कि इन्होंने बता रखा है JRF और SRF कैंडिडेट होंगे उसे ऑनलाइन ऑनलाइन इनका इंटरव्यू होगा, ऑनलाइन इनका रिटर्न एग्ज़ाम होगा। रिटर्न एग्ज़ाम के लिए इन्होंने कुछ बता रखे हैं कि कैसे कैसे आप घर पे दे सकते हैं, आपको सॉफ्टवेयर होगा, MCQ होंगे, दो ऐसे होंगे जिसमें 5 मार्क्स के होंगे, नॉन नेगेटिव मार्किंग होगी, आपको लैपटॉप होगा विद कैमरा माइक्रोफोन, नॉर्मल जो आपको पता ही है घरों में एग्ज़ाम ने दिए हैं सब ने, वैसे ही ऑन करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके रिलेटेड जो भी आपको इंफॉर्मेशन है मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके इसकी प्यूरी नोटिफिकेशन आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों इसे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि मैं ऐसे ही अपडेट लेके आता रहूँगा गवर्नमेंट सर्विस के रिलेटेड। तो मेक श्योर करें दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे लिंकडिन और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, ताकि मैं ऐसे अपडेट इंस्टाग्राम और लिंकडिन पर डालते ही रहता हूँ टाइम टू टाइम। चलिए दोस्तों मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, धन्यवाद।